लाल जी, देसाई जी, गुलाब खान जी, पाशी बहन जी, कांजी भाई देसाई जी, मालजी भाई देसाई जी, ललेश ठाकर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, और जो रात में छत पे आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पहली बार मैंने देखा है किसी एक प्रदेश में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में गया हूं, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि किसी एक प्रदेश में हर समाज के लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, चाहे वो पाटीदार समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, जो भी हो, सब के सब दुखी हैं। तो शुरुआत में आपके जो चिन्ह हैं, जो सिंबल हैं, उनके नाम लेकर मैं करना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो पाटीदार समाज के सिंबल हैं, जिन्होंने गुजरात के एक और बेटे के साथ दुनिया के सुपर पावर को हिंदुस्तान से भगाया, उनका नाम लेना चाहता हूं। जय सरदार, नहीं सुनाई नहीं दिया, जय सरदार, जय सरदार। उसके बाद जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, और फिर जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो पहली बार मैंने देखा है किसान दुखी, पाटीदार दुखी, पिछड़ा समाज दुखी, दलित समाज दुखी, आदिवासी समाज दुखी, और मैं ढूंढ रहा हूं गुजरात में अगर सब लोग दुखी हैं तो खुश कौन। मैं आपको बताता हूं, एक दो लोग खुश हैं, सबसे खुश जय शाह ज्यादा खा गया, सबसे खुश वो व्यक्ति है जिसके बेटे की कंपनी महीनों में 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदल सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आदिवासियों से जमीन छीनी, पाटीदारों के घर में जाके उनकी महिलाओं की पिटाई की, उनको गोली मारी। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज
जब स्टॉक मार्केट की चला जो स्टॉक मार्केट के जो संस्था चलाती है जब वो कहती है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री रूपानी जी ने बेईमानी की है, चीटिंग की है और उन पे हम फाइन लगाना चाहते हैं, तो देश का चौकीदार एक शब्द नहीं कहता है। जब पाटीदार लोग खड़े होते हैं तो आप पे गोली चलाते हैं, आदिवासियों से जमीन छीनते हैं, पिछड़ों को दबाते हैं, दलितों की पिटाई करते हैं, मगर जब विजय रूपानी जी पर स्टॉक एक्सचेंज कमीशन आरोप उठाता है तो देश के चौकीदार एक शब्द नहीं कहते हैं। और जब अमित शाह का जो पुत्र है वो 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदलता है तो हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। अजीब सी बात है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और अब नया नारा, और अब नया नारा, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। बाईस साल गुजरात को दबा के रखा, डरा के रखा, आंदोलन हो रहे, हर समाज में आंदोलन हो रहे हैं। हार्दिक पटेल, अल्पेश, जिग्नेश, आदिवासी युवा, हर समाज में आंदोलन हो रहा है, प्रधानमंत्री के सामने चोरी हो रही है, एक शब्द नहीं निकलता है, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। 8 नवंबर को कहते हैं जय शाह ने 50,000 रुपए का 80 करोड़ बना दिया, अब मैं हिंदुस्तान की सब छोटी कंपनियों को खत्म करूंगा। आठ बजे रात को आते हैं, टीवी पर आते हैं और कहते हैं भाइयों और बहनों, 500 रुपए का नोट, 1,000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब जय शाह जी लेते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता हूं, मगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के हाथ में 500 रुपए और 1,000 रुपए का नोट मुझे नहीं दिखना चाहिए। नोटबंदी लागू की और आप सबको बैंक के सामने लाइन में लगा दिया। यहां महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने थोड़ा सा पैसा बचा के रखा था, इनसे पैसा छीन लिया। किसान कैश में बीज खरीदता है, मोबाइल फोन से नहीं खरीदता है, सैटेलाइट से नहीं खरीदता है। छोटा व्यापारी कैश में काम करता है। मोदी जी, पूरा हिंदुस्तान चोर नहीं है, ये ईमानदार लोगों का देश है। आप एक बात नहीं समझ पाए, मैं आपको बता देता हूं, पूरा का पूरा कैश काला धन नहीं है और पूरा का पूरा काला धन कैश में नहीं है। आपने हिंदुस्तान के कमजोर लोगों पर, गरीब लोगों पर, छोटे व्यापारियों पर, छोटे बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन पे चोट मारी। आपने सबको लाइन में खड़ा किया,
आपने कहा था कि काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप सड़क के किनारे 2 मिनट किसी से बात कीजिए, पूरा हिंदुस्तान आपको बताएगा कि जब ईमानदार लोग लाइन में खड़े थे, हिंदुस्तान के चोर बैंक के पीछे अपना काला धन सफेद कर रहे थे। आपने वायदा किया था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। आपने नोटबंदी की, हिंदुस्तान के चोरों ने आपकी मदद से अपना पूरा का पूरा काला धन सफेद कर डाला। 100 से ज्यादा लोग मरे, लाखों लोग बर्बाद हुए और आपको हंसी आ रही थी, पॉप कॉन्सर्ट में जाके आप मजाक कर रहे थे, गुजरात को आपने जबरदस्त चोट मारी। में मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात में आज 30 लाख युवा बेरोजगार हैं, हर समाज के लोग हैं, किसी एक समाज के नहीं हैं, 30 लाख युवा बेरोजगार हैं। हमारा मुकाबला चाइना से है, जहां भी देखो मेड इन चाइना, फोन के पीछे देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना, गाड़ी मेड इन चाइना, कैमरा मेड इन चाइना। मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, मोदी जी ने कहा स्टार्टअप इंडिया, 3 साल हो गए, युवाओं ने भरोसा किया। चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। जब आप सेल्फी लेते हो चाइना के किसी युवा को आप रोजगार देते हो। अब मैं आपको मेक इन इंडिया की सच्चाई बताता हूं। पार्लियामेंट हाउस में हमने पूछा, चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है, बीजेपी के मंत्री से पूछा, मंत्री जी आप बताइए 24 घंटे में हिंदुस्तान में आप कितने युवाओं को रोजगार देते हो? जवाब मिला, जोर से नहीं बोले, 450। 450 मतलब ये जो कोना है, इतने युवाओं को आप 24 घंटे में रोजगार देते हो। 1 लाख युवाओं को आप पूरे देश में 1 साल में रोजगार नहीं दे पाते हो। और आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? देश का क्या होगा? जहां भी जाओ मैं सवाल पूछता हूं, युवाओं से पूछता हूं, क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं। क्या पढ़े हो? यूनिवर्सिटी डिग्री है। क्या करते हो? कुछ नहीं। क्या करते हो? कुछ नहीं। क्या करते हो? कुछ नहीं। तो क्या किया है यहां पे? गुजरात को आपने बनाया, कुछ साल पहले मैं न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड में वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा दूध एक्सपोर्ट करते हैं। मैं वहां गया, प्रेजेंटेशन हो रहा है, नक्शा लगा हुआ है दुनिया का, सब जगह दूध एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे एक देश में वो दूध एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। कौन सा देश? हिंदुस्तान। तो मैंने उनसे पूछा, बताओ, अजीब सी बात है, पूरी दुनिया में आप एक्सपोर्ट करते हो, हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते हो? आप जानते हो जवाब क्या मिला? मैं आपको बताता हूं, राहुल जी, पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर हिंदुस्तान में
हम आनंद से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, गुजरात की महिलाओं के सामने हम नहीं खड़े हो सकते हैं। तो आप देश की रक्षा करते हो, आपने ये प्रदेश बनाया, आनंद दिया अमूल। सूरत में मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, चाइना से कंपटीशन करना, मैं आपको बता देता हूं, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं कर सकेगा। सूरत के व्यापारियों को आपने शक्ति दे दी, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को आपने पैसा दे दिया, बैंक के दरवाजे खोल दिए। तो अगर चाइना 50,000 युवाओं को रोजगार देता है 24 घंटे में, मैं आपको बता रहा हूं गुजरात 70,000 को दे देगा 24 घंटे में। मगर नहीं, हम तो पूरा का पूरा पैसा 5-10 उद्योगपतियों को देंगे। नैनो गाड़ी का किस्सा सुनाता हूं आपको। यूपीए सरकार ने मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में लगाए, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ, जेब में पैसा आया, लाखों परिवारों की जिंदगी बदल गई। गुजरात में सिर्फ टाटा फैक्ट्री को, सिर्फ नैनो फैक्ट्री को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी की सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए दिए। आपकी जमीन छीनी, किसानों से जमीन छीन के उनको उस फैक्ट्री को दी, बिजली दी, पानी दिया। आप सड़क पे चलते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजीब सी बात है, हजारों किलोमीटर का मेरा दौरा हो गया, मैंने सड़क पे एक नैनो गाड़ी नहीं देखी। क्या आपने देखी है? क्या आपने एक गाड़ी देखी है? ये 33,000 करोड़ रुपए किसका था? ये आपका था, ये गुजरात के किसानों का खून पसीने का पैसा था। एक गाड़ी नहीं बनी, 33,000 करोड़ रुपए आपका, मार्केटिंग मोदी जी की, और आप देखते रह गए। ये सच्चाई है गुजरात की। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, एक रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, एक रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की। रात का समय है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, आपको सिर्फ 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। देखो, लोगों ने मुझे कहा, पिछली मीटिंग में कहा, कोई बात थी, किसी ने भीड़ में कहा कि देखो आप वायदा करोगे या नहीं। मैंने कहा मैं वायदा नहीं करूंगा। जो मैं कहता हूं उसमें वजन होना चाहिए। वायदे की जब भी जरूरत पड़ती है, जब शब्दों में वजन नहीं होता है। मुझे कोई वायदे की जरूरत नहीं है, मैं जो बोलता हूं मैं करता हूं, और मुझे वायदे, प्रॉमिस शॉमिस की कोई जरूरत नहीं है। भट्टा परसोल में मैंने कहा, वहां के किसानों से कहा, जमीनी अधिकरण बिल हम ला के दिखाएंगे आपको। किसानों की आवाज थी, हम लड़ गए, मेरी जबरदस्त पिटाई हुई, मीडिया में उल्टा सीधा लिखा, मगर मैं एक कदम पीछे नहीं हटा। मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगता है,
मोदी जी कहते हैं देखो यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। इससे मैं कंपटीशन नहीं कर सकता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं, मगर अब आपको सच्चाई दिख रही है। सच्चाई क्या है और झूठ क्या है आपको साफ दिख रहा है। और मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा, मगर आपको मैं स्टेट से यह कह दूंगा कि गुजरात में 5-10 उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलेगी। गुजरात में 33,000 करोड़ रुपए नैनो फैक्ट्री को नहीं मिलेगा। अगर 33,000 करोड़ रुपए किसी को मिलेगा तो आपके स्कूल और आपके कॉलेजेस में जाएगा, आपके अस्पतालों में जाएगा और आपको रोजगार देने में जाएगा। अगर मदद होगी तो गुजरात के किसानों की मदद होगी, व्यापारियों की मदद होगी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की मदद होगी, मजदूरों की मदद होगी और सब के सब को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, किसी को हम पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। यह फर्क मैं आपको 5 साल छोड़ो 2-3 महीने में दिखा दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, रात का समय है, आप यहां मेरी बात प्यार से सुन रहे हो। जगदीश ठाकुर जी ने एक बात बोली, उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। सुबह भी किसी ने बोला कि दिसंबर के बाद हम बदला लेंगे। देखिए सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया, हम कांग्रेस के हैं, सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया, गांधी जी ने हमें सिखाया कि बदले से कोई फायदा नहीं होता है। बदला बीजेपी के लोग लेते हैं, आरएसएस के लोग लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। हम बदलाव लाएंगे, हम गुजरात को बदल देंगे और जो गुजरात की शक्ति है, जैसे सरदार पटेल जी ने, गांधी जी ने गुजरात की शक्ति पूरी दुनिया को दिखा दी थी, हम गुजरात की शक्ति पूरी दुनिया को दिखा देंगे। और मैं चाहता हूं कि एक दिन, ये मेरा सपना है, शायद बहुत बड़ा सपना है मगर मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि एक दिन चाइना में एक युवा ऐसे सेल्फी ले और अपना फोन ऐसे घुमाए और उस पर लिखा हो मेड इन गुजरात, मेड इन पाटन। और ये काम खोखले शब्दों से नहीं होगा, ये काम खून पसीने से होगा, ये काम गुजरात की शक्ति ही कर सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आभार राहुल जी। हमें हूं जागृति बहन ने विनंती करूं कि आभार विधि करें। આપણી આ ઐતિહાસિક નગરી પાટણમાં આજની આ જંગી જાહેરસભામાં પધારેલ માનનીય આપણા ઉપાધ્યક્ષ શ્રી રાહુલજી, સાથે પધારેલ માનનીય ભરતસિંહજી, અશોક સરજી તથા મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો તથા પાટણમાંથી તથા આજુબાજુના ગામોમાંથી, પાટણ શહેરમાંથી પધારેલ ભાઈઓ બહેનો માતાઓ બાળકો, સાથે સાથે પત્રકાર ભાઈઓ તથા મીડિયાના ભાઈઓને પણ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। જય હિંદ, જય ભારત। बोले बंधु तात नेवा, हवे तो केवल एक जुआ। बोले बंधु तात नेवा, हवे तो केवल एक जुआ। नवसर्जन 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 गुजरात, नवसर्जन नवसर्जन।
जनता मां भरिए मोगवारी नागने नाथी लादिए सुख समृद्धि पाची शहर गाम ने बरा सुखी हो क्या जरा ना कोई दुखी हो होए सलामत बहन ने माता चेहरा हो सगड़ा मलकाता शहर गाम ने बरा सुखी हो क्या जरा ना कोई दुखी हो होए सलामत बहन ने माता चेहरा हो सगड़ा मलकाता दुख ना दाड़ा दूर था सुखनी हो शरुआ